नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी शैलेंद्रनाथ मन्ना के बारे में। चलिए देखते हैं। शैलेंद्रनाथ मन्ना, जिन्हें शैलेंद्र मन्ना के भी नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे जिन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में से एक माना जाता है। इन्होंने ओलंपिक और एशियाई खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व और कप्तानी भी की है। इनके पास 19 वर्षों तक भारत के सर्वश्रेष्ठ क्लबों में से एक मोहन बगान के लिए खेलने का रिकॉर्ड भी है। यह एकमात्र एशियाई फुटबॉलर हैं जिन्हें 1953 में इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में नामित किया गया। मन्ना का जन्म 1 सितंबर 1924 को पत्रा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने 14 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया और 1940 में हावड़ा यूनियन क्लब में शामिल हो गए जब वह मात्र 16 साल के थे। इन्होंने 1941 में इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए खेला और 1942 में हावड़ा यूनियन क्लब छोड़कर मोहन बगान एथलेटिक क्लब में शामिल हो गए, जो आज भी देश के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल क्लबों में से एक है। शैलेंद्र ने अपने फुटबॉल कैरियर का पूरा जीवन मोहन बगान क्लब में बिताया। इन्होंने 19 साल तक इस क्लब की सेवा की और वर्ष 1960 में सेवानिवृत्त होने पर ही क्लब छोड़ा। इन्होंने 1950 से 1955 तक इस क्लब की कप्तानी भी की, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में इस क्लब से कभी पैसा नहीं लिया। वह कहते थे कि वह अपने एम्प्लॉयर दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिलने वाले वेतन से खुश है। इनकी कप्तानी के दौरान मोहन बगान 5 बार डूरंड कप और 6 बार आईएफए शील्ड जीतने में सफल रहा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। शैलेंद्र मन्ना का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर। शैलेंद्र मन्ना ने लंदन ओलंपिक खेल 1948 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस टूर्नामेंट में मन्ना फ्रांस के खिलाफ मैच में पेनाल्टी किक से चूक गए और भारत 1-2 से मैच हार गया। इन्होंने 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम का भी नेतृत्व किया। इनके नेतृत्व में 1952 से 1955 के बीच ईस्ट एशियन क्वाड्रेंगल मीट में भारत ने लगातार 4 खिताब जीते। सफलता के इस क्रम के बाद भारतीय फुटबॉलर की प्रतिभा को दुनिया भर में प्रशंसा मिली। शैलेंद्र मन्ना के रिटायरमेंट के बाद की गतिविधियां। सक्रिय फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद शैलेंद्र मन्ना को मोहन बगान क्लब के प्रशासन का हिस्सा बनाया गया था। इन्होंने वर्ष 1961 में कोच के रूप में शुरुआत की, फिर इन्हें क्लब के फुटबॉल सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया और अंत में इन्हें सहायक सचिव बनाया गया। शैलेंद्र मन्ना की अन्य उपलब्धियां। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने 1953 की अपनी ईयरबुक में इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 फुटबॉल कप्तानों में से एक नामित किया था। शैलेंद्र मन्ना को वर्ष 1971 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मन्ना को वर्ष 2000 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2001 में मोहन बगान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र मन्ना अपनी जेब में राक्षसों पर विजय पाने वाली हिंदू देवी काली की एक तस्वीर रखते थे। काफी समय तक अस्वस्थ रहने के बाद मन्ना का 27 फरवरी 2012 को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। शैलेंद्र मन्ना, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद।